subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टाइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो कैसे हम लोग लिमिटिंग मतलब कोई भी रिएक्शन था तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, इसको हमने देखा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पता करेंगे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिटेल में बताया था कि स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, कि जैसे मोल नंबर ऑफ मोल को मास में कन्वर्ट करना हो या वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो या नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो हमने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से उसको बताया था। एंड देन उसके जस्ट बाद हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बताया था। इसका हमने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में जो क्वांटिटी लेस अमाउंट में होता है, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो अगर लेस, जैसे कि हमने लिया रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, उन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जिसका अमाउंट कम होगा, लिस्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कोई अमाउंट, कोई दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो लार्ज अमाउंट में बच जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, NH3 नोन एज अमोनिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि जब हम 50 kg N2 को 10 kg H2 से मिक्स करते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब पूछ रहा है कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, उसका अमाउंट फाइंड हमको करना है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि इसमें से रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड है N2 और H2, उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो चलिए इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का हमारे पास तीन तरह का तरीका है, कौन सा तरीका आपको ईजी लगेगा हम सब देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट में अगर हमको स्टाइकोमेट्री नहीं पता है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पहला जो इसके पहला वाला वीडियो है जिसमें हम लोग स्टाइकोमेट्री फाइंड करना बताए हैं कि स्टाइकोमेट्री कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सब चीजें आपको आना चाहिए, तभी हम यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, जब तक हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन हमारा क्या है। N2 रिएक्ट कर रहा है H2 से, N2 रिएक्ट विद H2 टू गिव अमोनिया। अब ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो आपको बैलेंसिंग आता ही है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, देखेंगे अमोनिया का अगर देखें, सॉरी N2 का देखेंगे 1 मोल है तो हाइड्रोजन का 3 मोल होगा, तो अमोनिया का कितना होगा, हम बोलेंगे 2 मोल होगा। तो N2 का यहाँ मोलर मास कितना होगा, हम बोलेंगे 28 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना होगा, 3 × 2 = 6 ग्राम। और अमोनिया कितना होगा, अमोनिया का होता है 17 × 2 कितना हो गया, 34 ग्राम। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका कि जो दो भी हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल। अगर जिसका नंबर ऑफ मोल कम आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। एक तरीका ए है, अभी हम दूसरा तरीका भी बताते हैं और तीसरा तरीका भी बताते हैं लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास N2 कितना है, 50 kg, तो हमने लिखा 50 × 10^3। 10^3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि
केजी है, केजी को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग 10^3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 50 × 10^3 हो गया एंड डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 28, क्योंकि N2 का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है, तभी होता है। गिवन मास अपन इस मोलर मास इज नोन है नंबर ऑफ मोल, हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, क्योंकि जिसका नंबर ऑफ मोल लेस वो हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग, और जिसका नंबर ऑफ मोल मोर वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस, ठीक है। तो 50 × 10^3 एंड डिवाइड बाई 28, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 1.78 × 10^3 मोल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं H2 का, H2 कितना दिया है इसका 10 kg, तो 10 × 10^3 कर दिया एंड डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास अभी निकाला था कितना है 6 g, 6 से डिवाइड किया, 10 को 6 से कट किया तो आंसर आया 1.66 × 10^3 मोल। अब देख लेंगे ए भी 10^3 में है, ए भी 10^3 है, लेकिन इसमें से वैल्यू किसका लेस है, हम बोलेंगे 1.6 इज लेस देन द 1.78, इसका मतलब 1.66 हमारा क्या है लेस है, यही हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब H2 यहाँ क्या है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो N2 क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिमिटिंग के जगह पे एक्सेस रिएजेंट भी पूछ दिया जाता है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल वही हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो एक तरीका ये है सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ क्या है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन डिसाइड करता है, हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, क्योंकि जो हमारा एक्सेस रिएजेंट है वो आफ्टर द रिएक्शन, जैसे रिएक्शन खत्म हो जाए इसका मतलब जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंप्लीटली क्या हो गया कंज्यूम हो गया, नो मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट इज लेफ्ट, मतलब वो और अधिक अब बचा नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो हमारा सेकेंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक्सेस में हो जा रहा है, वो अब 10 मोल हो 50 मोल हो 100 मोल हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमको पता चल गया तो हमको पता है 6 g कितने के बराबर है, 6 g H2 से कितना प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया, तो हम बोलेंगे 34 g प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे 6 g ऑफ H2 गिव्स 34 g ऑफ अमोनिया, तो हमारे पास H2 की वैल्यू कितनी है, हम बोलेंगे 10 kg है ना, देखेंगे यहाँ पे कितना दिया है 10 kg गिवन है, तो हम बोलेंगे 10 × 10^3 g, kg है तो kg को ग्राम में कन्वर्ट 10^3 से मल्टीप्लाई किया, 6 g दे रहा है 34 g ऑफ अमोनिया, तो 10 kg कितना देगा, हम बोलेंगे 10 × 10^3 g H2 गिव्स। अब इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड बताया था कि अगर 2 रुपये में इतने चॉकलेट मिल रहे हैं तो 20 रुपये में कितने चॉकलेट मिलेंगे, तो उस तरह से हम सॉल्व करते थे। तो देखेंगे 6 g ऑफ H2 है, 6 g ऑफ H2 दे रहा है 34 g ऑफ अमोनिया, तो 10 × 10^3 g ऑफ H2 कितना अमोनिया देगा, तो हम क्या किए थे इसका मल्टीप्लाई करते थे और इससे हम लोग क्या करते थे फर्स्ट वैल्यू से डिवीजन, ये हो जाएगा 34 × 10 × 10^3 / 6। अब 34 को 6 से हमने कट कर दिया तो ये होगा 340 / 6 कट किया तो ये आंसर आया 56.66 × 10^3 g। अब क्या है ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 56.66 kg अमोनिया इतना हमको प्रोड्यूस मिला। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड कर ही लिया था, दो ही क्वेश्चन पूछा था कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कौन होगा और कितना अमोनिया उसका अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 56.66 kg। ये हमारा क्या है सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो आपके अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे इजीली कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लो, जो नंबर ऑफ मोल लेसर है वही हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। अब हम अनदर मेथड देखते हैं और कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं, तो देख लेंगे क्या है हमको पता है 28 g N2 को कितने की रिक्वायरमेंट है, हम बोलेंगे 6 g ऑफ H2, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 28 g ऑफ N2, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, तो 28 g ऑफ N2 को रिक्वायरमेंट कितने की है,
6 ग्राम ऑफ H2 की, तो देखेंगे यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ N2 कितने से रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम ऑफ H2 से, तो हम बोलेंगे 50 kg N2 कितने से रिएक्ट करेगा। 50 kg का मतलब क्या हो गया, 50, क्योंकि यहाँ 50 में बोलना है ना, 50 में हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या है, 50 × 10³ ग्राम ऑफ N2, तो कितने से, कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो देख लेंगे क्या होगा, 50 × अब क्या हो जाएगा, 6 होगा और 10³ है ही है यहाँ पे, 10³ 50 kg ना, 10³ है ही है, एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे, पहले वैल्यू से हमने डिवाइड किया 28 से, अब इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 10.7 × 10³, या इसी को ग्राम में है तो इसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10.7 kg H2, ठीक है। तो हमको क्या मतलब है यहाँ पे, 50 kg N2 के लिए जो हाइड्रोजन है उसका रिक्वायरमेंट कितना है, हम बोलेंगे 10.7 kg, तो यहाँ दिया है 50 kg ऑफ N2 रिक्वायर 10.7 kg ऑफ H2, बट वी हैव ओनली 10 kg ऑफ H2, सो H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, 50 kg N2 को कितने की रिक्वायरमेंट, हम बोलेंगे 10.7 kg ऑफ H2, बट हमारे पास कितने H2 है, हमारे पास H2 की जो है मास वो है ओनली 10 kg, मतलब 0.7 kg जो H2 है वो क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, इसका मतलब वो लिमिट हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 0.7 kg H2 जो है ना कम पड़ जा रहा है, जो वैल्यू कम पड़ गया वही हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और यही लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर दिया कि हम इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखिए वही चीज़ है, 6 ग्राम ऑफ H2 34 ग्राम ऑफ अमोनिया दे रहा है, तो 10 kg H2 कितना दे रहा है, तो हम बोलेंगे 56.66 kg अमोनिया हमको प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं कौन इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट होगा या नहीं होगा। चलिए आगे अगला भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा एक्सेस होगा कौन सा लिमिटिंग हम तरीके से, ठीक है। चलिए ये तो हमारा दो तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, यूनिटी मेथड और एक नंबर ऑफ मोल से। एक और तरीका है जिससे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है वो चीज़ भी देख लीजिए। जैसे कि हम लोग बात कर लें कि यहाँ पे इसमें देख लेंगे कि 50 kg में कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम 10 kg हाइड्रोजन में कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो जहाँ पे अमोनिया कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अमोनिया कम प्रोड्यूस होगा वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे क्या है, जैसे N2 हमारा 50 kg है, N2 हमारा 50 kg है, ठीक है। तो अगर हम N2 के अकॉर्डिंग अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। उसी तरह हम H2 के अकॉर्डिंग अगर अमोनिया फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे हम लोग आगे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे क्या है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। जैसा पिछला क्वेश्चन था एकदम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले समझें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन कितना इजी वे में हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, POAC अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे कि रिएक्शन को पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्या होगा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन हमारा क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कार्बन के एक मोल में कितना होता है, हम बोलेंगे 12 ग्राम होता है। कार्बन के एक ऑक्सीजन के एक मोल में कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 32 ग्राम होगा, और यहाँ पे एक मोल में कितना होगा, दिस इज 44 ग्राम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इसमें से हम देख लेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कार्बन लिमिटिंग है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन मास है उसको मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू लेस आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कितना मास गिवन है, ये तो इसका मोलर मास हो गया, दिस इज द मोलर मास, इसका मास क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपान, यहाँ क्या हो गया, दिस इज 12, तो कितना हो गया, दिस इज कट करेंगे 0.5 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 32 है,
और इसका मोलर मास कितना गिवन है, 32 गिवन नहीं, वो तो हम फाइंड कर लेना, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, दिस इज 32, 32 से 32 कैंसिल हुआ, दिस इज 1। अब इससे क्या पता कौन सा वैल्यू कम है, हमने बताया था जो वैल्यू हमारा लेस आएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यही वैल्यू लेस है तो जो वैल्यू नंबर ऑफ मोल में लेस आ रहा है वही हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज द एक्सेस एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करेगा, डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे, कार्बन हमारा लिमिटिंग हो गया तो हमको पता है कि 12 ग्राम कार्बन कितना दे रहा है, हम बोलेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है। यहाँ से देख लेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब 1 मोल में कितना ग्राम है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन दे रहा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बन कितना है, 6 ग्राम है, तो यहाँ सिंस हो गया दिस इज देयर फोर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 6 ग्राम कार्बन। तो सिंपल सी बात है, 12 में दे रहा है 44, तो 6 में कितना हो जाएगा, जैसे उसका आधा, तो आधा करने का मतलब क्या है, 6 × 44, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस वाले वैल्यूज क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो गया 6 से हमने 2 से कैंसिल कर दिया, इसको कट किया तो दिस इज 22 ग्राम ऑफ कार्बन, दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी का भी लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और एक यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, तो दोनों जिससे आपको इजी लगे आप उससे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। एक मेथड वो लगाते हैं कि अगर सपोज दैट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 6 ग्राम देख लेंगे, यहाँ पे 6 ग्राम यहाँ देख लेते हैं, 12 ग्राम जो सिंस 12 ग्राम जो कार्बन है वो कितना दे रहा है, दिस इज 44 ग्राम CO2, तो 6 ग्राम कितना देगा, देयरफॉर 6 ग्राम कार्बन, तो हम बोलेंगे 6 ग्राम, तो दिस इज 44 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, कट किया तो ये हो गया 2, और इसको कट किया दिस इज 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। एक तो ये आया, अगर हम यहाँ पे कार्बन को लिमिटिंग मानते हैं, अगर कार्बन का केस मानते हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 22 ग्राम। हमने बताया था कि अगर इसके अकॉर्डिंग लेते हैं जिसकी वैल्यू कम आती है वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। हम दूसरा ले लेते हैं, सिंस ऑक्सीजन कितना है, 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रहा है, हम बोलेंगे 44 ग्राम CO2, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर कितने में हमको निकालना है, 32 में ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ O2 कितना देगा, तो हम बोलेंगे 44 इंटू 32 एंड डिवाइड बाई 32 से 32 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा कितना, दिस इज 44 ग्राम CO2। अब वैल्यू कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, तो हम बोलेंगे जो वैल्यू हमारा कम होगा इसी के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो वैल्यू ज़्यादा आ रहा है प्रोडक्ट का, हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो कम किसके वजह से आ रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वजह से, किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हम बोलेंगे कार्बन के वजह से, इसका मतलब कार्बन यहाँ क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। इस केस में देखेंगे CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा, हम बोलेंगे 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है इसका, ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा किसके वजह से ज़्यादा हो रहा है, हम बोलेंगे ऑक्सीजन की वजह से, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है हमारा, एक्सेस में है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्सेस रिएजेंट। तो आप जैसा चाहें, या तो ऐसा चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे चाहें तो ऐसे सॉल्व, इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर लेंगे कि आगे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का उससे क्या रिलेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लोग एकदम ईजी से, ईजी मेथड से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड प्रेस द अपर बेल आइकन। अगर आप नए व्यूअर्स होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, रेड कलर के बटन को दबाना ना भूलें और अपर बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस लेक्चर का लाभ उठाते रहें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। We'll be right back.